नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं बहुत ही मजेदार और स्वादिष्ट और एकदम सिंपल सा लंच थाली रेडी करेंगे। तो इस लंच थाली के लिए हमने सब्जी ले ली है केले का, बहुत ही सुंदर, ये एकदम हरी हरी ताजी ताजा ताजा एकदम केला है। इसका सब्जी बहुत ही ज्यादा मजेदार बनता है और बहुत तरीके से बनता है। तो आज मैं एक तरीका शेयर करूंगी आप लोगों से और लंच में हमने एकदम सादा सिंपल तैयार करूंगी। तो अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे ना, केले को छील लेंगे। हम साबुत ही इसे फ्रेश एकदम धुल लिए थे और मेरा केला ना एकदम सब्जी के लायक परफेक्ट था। और सब्जी केले के साथ साथ ना प्याज और टमाटर लहसुन सभी को भी हम छील लेंगे। तो केले को हम चाकू से छीलेंगे, इसका छिलका अच्छे से हटा देंगे। नहीं तो क्या होता है ना, छिलका थोड़ा थोड़ा रह जाता है ना, तो केला जो है काला पड़ जाता है। केले की सब्जी आपने कैसे कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। तो हमने एक तरीका आप लोगों से शेयर किए हैं लंच थाली में। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मेरा लंच थाली बनकर के रेडी हुआ था। तो जितना केला था ना, उससे ज़्यादा मेरा छिलका ही निकल गया था, उसे हटा दिए हैं और केले को फिर से एक बार धुल लिए थे। और उसको हम तीन से चार पीसेस कट करके आलू के भुजी के जैसे पतला पतला कट कर लिए हैं। जैसे ही पूरा अच्छे से केला कट जाएगा फिर हम इसे पानी में डाल देंगे। नहीं तो क्या होता है ना, केला जो है काला पड़ जाता है, तो इसे सब्जी अच्छा नहीं दिखेगा और टेस्ट भी हो सकता है कि थोड़ा सा ख़राब हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, केले को पानी में डाल देंगे, फिर उसके बाद हम प्याज को पतला पतला लच्छे में काट लेंगे। और एक प्याज जो है ना, उसे हमने बारीक चॉप कर लेंगे, क्योंकि लंच थाली में हमें दाल भी बनाना है, तो दाल में हमें प्याज का भी ज़रूरत है और टमाटर का भी ज़रूरत है। तो प्याज हमने लच्छे में और एक प्याज को हमने बारीक कट कर लिए हैं और तीन टमाटर कट कर लिए हैं। अब हम इसे दाल को सबसे पहले रख देते हैं। तो दाल हमने 4 से 5 बार रगड़ रगड़ कर धुल लिए थे, क्योंकि हमें झाग नहीं निकालना है, डायरेक्ट गैस पर डालना है, रखना है। तो दाल में हमने 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिए हैं, थोड़ा सा दाल है, और जो हमने बारीक प्याज कट किए थे और एक टमाटर, उसे हम दाल में डाल देंगे। फिर नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल डालने से क्या होता है ना, इसका झाग बाहर कुकर से आता नहीं है, तो इसलिए हमने तेल थोड़ा सा डाले हैं। और फिर गैस पे चढ़ा के 3 से 4 सीटी आने तक दाल को पका लेंगे। और जब दाल जब तक पक रहा है, हम केले को पानी से निकाल लेंगे और अच्छे से इसका पानी निकालेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, गैस पे कढ़ाई चढ़ा देंगे। और जैसे ही कढ़ाई गर्म होगा, फिर हम केले में थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे कलर के लिए, और 2 से 3 पिंच नमक डालेंगे। एकदम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक ज़्यादा डाल देंगे ना तो केला जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा, तो अच्छे से भुना नहीं पाएगा। बस हल्का से नमक डालेंगे कि उसमें टेस्ट अच्छा से आ जाए, और उसे अच्छे से मिला लेंगे। और इधर कढ़ाई एकदम अच्छे से गर्म हो गया है और केले हमने मिला करके रख लिए हैं। फिर हम इसमें 2 चम्मच की जितना तेल डालेंगे, और आप चाहें ना तो इसमें अधिक तेल डालकर ना केले को अच्छे से भूनकर चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हम तो बहुत बार ऐसे ही करते हैं। हम कभी भी सब्जी के लिए बनाते हैं ना, तो उसे हम थोड़ा सा प्लेट में ले ही लेते हैं अपने लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उतना ही तेल में हम ना केले को एकदम खिला खिला भूनेंगे, एकदम एक दूसरे में चिपकेगा भी नहीं और अच्छे से भून भी जाएगा। और जब तक केला भून रहा है, हम इधर कुछ मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाले में 1 चम्मच जीरा और 10 से 15 काली मिर्च हमने ले लिए हैं, और 2 छोटे छोटे इलायची, बड़े इलायची था, क्योंकि मेरे पास गरम मसाला बहुत कम था और मुझे कम डालना भी था, और 1 लौंग और थोड़ा सा दालचीनी और लहसुन और हरी मिर्च 4 से 5 डाल दिए हैं, क्योंकि हरी मिर्च से ही हमें सब्जी को बनाना है। और इधर देखिए, उसे हम पानी डालकर पेस्ट बना लिए हैं। और इधर केला देखिए कितना बढ़िया एकदम खिला खिला भून गया है ना, और कलर भी इसका कितना बढ़िया आया है, देख के ही अच्छा लग रहा है ना, केला कितना अच्छा भून गया है। अब उसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर से हम उसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के जितना हम तेल डालेंगे। तेल देख सकते हैं कितने मात्रा में हमने डाले हैं। और जैसे ही तेल गर्म होगा, उसमें हम डालेंगे जीरा, मेथी और थोड़ा सा सरसों डाल देंगे काला वाला, और 1 तेज़पत्ता डाल देंगे तोड़कर, और प्याज जो हमने लच्छे में डाले थे ना, उसे हम डाल देंगे। और प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे।
और इसमें हम नमक डाल देंगे। प्याज में नमक डालने से क्या होता है ना, प्याज सॉफ्ट भी हो जाता है और बढ़िया से भून भी जाता है। तो हम नमक डाल दिए स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने केले में भी थोड़ा सा नमक डाले हुए थे। फिर हम ढक्कन लगा देंगे ताकि प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा और भून भी जाएगा। तो प्याज देखिए एकदम बढ़िया से गोल्डन सुनहरा होने तक भून गया है। फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर, टमाटर को भी ढक्कन लगा देंगे थोड़े देर के लिए ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए हमने टमाटर के प्योरी नहीं बनाया। आप चाहें तो प्योरी बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। और हम अब क्या करेंगे ना, जो पेस्ट बना करके रखें उसे डाल देंगे और कुछ बेसिक से मसाला इसमें डालेंगे। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर आधा आधा चम्मच डाले हैं, और हल्दी पाउडर और कसूरी मेथी, और थोड़ा सा एकदम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च चार से पाँच हरी मिर्च हमने उसमें डाले हैं अपने तीखे के अनुसार, तो इसलिए हमने इसमें लाल मिर्च कम डालेंगे। फिर जो मिक्सी जार में मसाला लगा हुआ था उसमें पानी डालकर डाल देंगे इसमें धुलकर, और फिर आधा चम्मच डाल देंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से ना सब्जी में सिर्फ कलर आता है, इसमें कोई तीखा नहीं होता है। फिर इसे ढक्कन लगाकर चार से पाँच मिनट के लिए सब्जी को अच्छे से भून लेंगे। तब तक मेरा दाल में 3 से 4 सीटी आ गया था, तो दाल को उतार लिए गैस से। आज बहुत काफ़ी गर्मी था तो हमने नीचे से ना टेबल फैन लगा लिए थे ना, तो अच्छे से लग भी नहीं रहा था और गैस पे भी लग रहा था, पर बहुत ज़्यादा गर्मी था आज। पर इतना ज़्यादा टेस्टी खाना बना हुआ था ना कि मुझे लग रहा था ना कि गर्मी तो लगा है पर खाना बहुत अच्छा बना है। अब हम क्या करेंगे ना, दाल में तड़का लगा लेंगे। तो दाल में क्या करेंगे ना, एक चम्मच तेल डालेंगे, फिर हींग, जीरा और लहसुन और एक सूखी लाल मिर्च डालेंगे, और जैसे अच्छे से भून जाएगा फिर हम इसमें दाल में कलछल को डाल देंगे। ढक्कन लगा कर डालेंगे, नहीं तो छटकने लगता है। और दाल देखिए बिना मसाला के एकदम टेस्टी सा बन करके रेडी हो चुका है। अब हम इधर गैस उसी कुकर को साफ से धुल लिए हैं। अब इधर 2 कटोरी हमने बासमती चावल डालेंगे इसमें। बासमती चावल ना बहुत खिला खिला बनता है ना, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, तो कभी कभार हमने बना ही लेते हैं। और उसे रगड़ रगड़ कर 3 से 4 पानी धुल लिए थे। 2 कटोरी चावल तो 2 ही कटोरी हमने पानी डाले हैं, और 2 सीटी में चावल बन जाएगा। और इधर मेरा मसाला एकदम परफेक्ट भून गया है, एकदम कढ़ाई को छोड़ रहा है, तेल भी सेपरेट हो गया है। फिर हम इसमें डाल देंगे केला जो भून करके रखे थे उसे, और इसे मिला लेंगे। और थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस इतना पानी डालेंगे ना कि केले के अंदर भी मसाला का फ्लेवर चला जाए। केला बहुत मोटा मोटा है नहीं, पतला पतला हमने काटे हैं। इस तरीके से ना केले काट कर ना सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो हम तो ज़्यादातर बनाते रहते हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। डालने के बाद ना थोड़ा सा धनिया पत्ता हमने सुखा करके रखे थे ना उसे डाल देंगे, और इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। जब तक ये मेरा सब्जी पक रहा है तब तक हम आटा लगा लेंगे, क्योंकि लंच थाली है तो हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा तो दिखाना ही पड़ेगा ना। तो आटा लगाने में बहुत मतलब कि 3 से 4 मिनट में आटा लग जाता है, क्योंकि बहुत कम बनाना है, 2 एक ही टाइम के लिए बनाना है। तो इसलिए सुबह में नाश्ता हो चुका था, ये दोपहर का खाना है लंच थाली। और आप लोग किस तरीके से केले के सब्जी बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी आइडिया लगे। सब्जी मेरा अच्छे से पक गया था तो हमने सब्जी को उतार लिए हैं, और इधर रोटियां सेक लेते हैं। रोटी सेकने में भी टाइम नहीं लगता है, करीब 7 से 8 रोटी बनाना था, इससे ज़्यादा नहीं बनाना था रोटी। मेरे यहाँ ना दोपहर में भी ज़्यादातर चावल और रोटी दोनों खाया जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम सिर्फ चावल बनाते हैं, पर रोटी ज़रूर बनता है। रोटी मतलब खाने वाले भी हैं, पसंद करने वाले। तो रोटी सेकने में भी टाइम नहीं लगा था, मेरा रोटी अच्छे से सीख गया है। अब हम आपको थाली लगा करके दिखाएंगे। तो ये मेरा सारा खाना बन करके रेडी हो गया है। ये एकदम सूखा सब्जी केले का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और दाल भी देखिए बिना मसाला के और एकदम टेस्टी सा दाल बन करके रेडी हो गया है। तो आज का लंच थाली मेरे यहाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, सभी बहुत मन से खाए हैं। तो इधर चावल भी देखिए 2 सीटी में एकदम खिला खिला बन गया है। अगर आप कुकर में नहीं बना रहे हैं ना तो आपको चावल में पानी थोड़ा सा अधिक डालना होगा। तो ये रहा मेरे यहाँ के लंच थाली, और आप अपने यहाँ किस तरीके से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इधर सब्जी, दाल, दही, अचार,
क्या मस्त मेरा लंच थाली बन करके रेडी हो गया है। ये थाली हमने अपने पति के लिए लगाए हैं, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था ना, तो ना उनको दे दिए हैं, तो तब तक के लिए बाय।